दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आई जे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं एनसीएल की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आई है जिसमें कि आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा वेरियस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यहां पे वैकेंसीज रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको डेली प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस अपडेट को स्टार्ट। ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है और ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। यहां पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट जो रहेगा वो आपका यहां पे रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो आपका रहेगा वो यहाँ पे रेगुलर पोस्ट के लिए रहेगा, रेगुलर डिप्लॉयमेंट आपका रहेगा जो कि अक्रॉस द माइन आपके यहाँ पे जो दी गई है डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड आपके यहाँ पे सनबकद्रा डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तर प्रदेश में यहाँ पे वैकेंसीज ये रहेंगी। इसमें पोजीशन जो रहेंगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को जो मिलेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट फोरमैन की ईएनटी में वैकेंसीज ट्रेनिंग की रहेगी ग्रेड सी की, जिसमें कि आपका मेट्रिकुलेट आप पास होने चाहिए, साथ साथ में डिप्लोमा आपका जो यहाँ पे होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट फोरमैन की यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन की जो मैकेनिकल में पोस्ट रहेगी इसमें भी मैट्रिकुलेट पास होने चाहिए, साथ साथ में 3 साल का डिप्लोमा आपका यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके अलावा असिस्टेंट फोरमैन की इलेक्ट्रिकल में ट्रेनिंग की पोस्ट रहेगी, इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे वैकेंसीज आप देख सकते हैं, इसके बाद में आपको टोटल वैकेंसीज का काउंट भी बता दूंगा कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे क्रूशियल डेट जो आपकी रहेगी वो 5/2/2024 यहाँ पे रहेगी जो कि क्लोजिंग डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे सुपरवाइजरी पोजिशन के लिए वैकेंसीज आपकी दी गई है, जिसमें की पोजिशन एंड वैकेंसीज की बात करें तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो आपकी वैकेंसीज रहेंगी वो आपकी टोटल 9 वैकेंसीज रहेंगी। एग्जीक्यूशन में आपकी यहाँ पे मैकेनिकल में वैकेंसीज रहेंगी 59 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी एंड जो आपकी इलेक्ट्रिकल में पोस्ट रहेंगी वो एग्जीक्यूशन में 48 वैकेंसीज रहेंगी, सॉरी एग्जर्वेशन में आपकी 48 वैकेंसी रहेगी, जो आपका कार्डिया रहेगा वो आपका एग्जर्वेशन रहेगा यहाँ पे एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपकी यहाँ पे 34 वैकेंसी रहेंगी। टोटल आपकी 150 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि आप यहां पे देख सकते हैं टोटल यहां पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यहां पे बैकलॉग वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि आप यहां पे देख सकते हैं टोटल 2 वैकेंसीज आपको बैकलॉग दी गई हैं। बाकी यहां पे 148 वैकेंसीज आपकी जो रहेंगी वो रेगुलर वैकेंसीज रहेंगी जो कि इंक्लूडिंग आपकी बैकलॉग रहेंगी वो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को आप देख सकते हैं, जो आपकी पोस्ट दी गई है वो आपको मैंने बता दी है, यहाँ पे पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन भी आपको दिया गया है वो भी आपको बता दिया है। यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन के लिए जो आपकी डिप्लोमा दी गई है इसमें हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंजीनियरिंग आपकी तभी काउंट की जाएगी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तभी आपका यहाँ पे जो वो काउंट किया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। इसमें आपका जो ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा वो 1 ईयर का यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए दिया गया है। बाकी 2 ईयर्स का आपका जो रहेगा मैकेनिकल के लिए रहेगा, बाकी अदर भी आपका 2 ईयर्स का रहेगा। जो आपका ग्रेड रहेगा सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद में असिस्टेंट फोरमैन का दिया जाएगा, यहाँ पे भी आपका असिस्टेंट फोरमैन का रहेगा। तो काफी अच्छी वैकेंसीज है, इसके लिए कितनी आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। बाकी एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो एज आपकी 18 से लेकर यहाँ पे 30 तक आपकी एज होनी चाहिए, बाकी एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल दी गई है। तो एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जो कि अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज दी गई है, प्लस आपका जीएसटी रहेगा 18% का, 180 रुपीज आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, टोटल 1118 रुपीज आपको देखने पड़ेंगे। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे यहाँ पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा, सीबीटी एग्जाम उनका रहेगा उसी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। जो यहाँ पे सीबीटी एग्जाम रहेगा वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो 100 मार्क्स का आपका रहेगा, 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा सीबीटी एग्जाम के लिए।
जिसमें आपके दो सेक्शंस रहेंगे, वो आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका जो रहेगा टेक्निकल नॉलेज रहेगा 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। सेक्शन बी में आपका जो रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का रहेगा, वर्बल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स का आपका पेपर यहां पे रहेगा, कोई भी आपको पेनल्टी यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। इंग्लिश एंड हिंदी में आपका बाइलिंगुअल ये पेपर रहेगा, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट ए में आपका सिलेबस दिया गया है। टेस्ट सिटीज जो आपकी रहेंगी वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टेस्ट सिटीज आपकी कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो टेस्ट सिटीज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी आपको आगे यहाँ पे मेंशन की गई है। वो एनसीएल आपकी तरफ से बता देगा जो आपकी कौन कौन सी यहाँ पे जो टेस्ट सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। बाकी उसके अलावा यहाँ पे जो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 50 मार्क्स आपका रिजर्व ओबीसी के लिए, पासिंग मार्क्स रहेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडीएस एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 40 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो काफी अच्छी वैकेंसीज आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो भी आपको मैं आगे बता देता हूँ। कितनी सैलरी आपको दी जाएगी वो भी आपके साथ में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई करना है, 15/1/2024 से आप यहां पे 5/2/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज से ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट इसमें जो रहेगी वो 5 फरवरी की रहेगी। तब तक आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी भी आपको काफी अच्छी देखने को इसमें मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको 70 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे उसका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फोरमैन आपका जो रहेगा, असिस्टेंट फोरमैन ENT की पोस्ट जो रहेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें आप सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज है, इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको डेली प्रोवाइड की जाती है चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।